ये हैं स्लीपी या शमीज़, इनकी स्टार्टिंग प्राइस है 200 रुपीज़। ज़बरदस्त अमेजिंग प्राइस में स्टिच शमीज़ आपको मिल रही है। और मज़ीद अमेजिंग आर्टिकल देखने के लिए आप वीडियो को देखें, पूरा देखें, आपको और भी ज़बरदस्त चीज़ें नज़र आने वाली हैं। अस्सलामु अलैकुम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सबके सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास इन्फॉर्मेशन है, और वीडियो को गौर से देखिएगा क्योंकि मैं आप लोगों को एक ख़ास चीज़ बताने वाली हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे जैसे ही ब्रांड्स की फैक्ट्री आउटलेट के बारे में पता चलता रहेगा तो मैं आप लोगों के साथ उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करती रहूँगी। अभी रिसेंटली मुझे इसकी जो है लाइमलाइट की फैक्ट्री आउटलेट का पता लगा है, तो मैंने उसकी वीडियो बनाई है और मैंने ये आपके साथ जो है मैं इसका शेयर कर रही हूँ। ये उसकी फैक्ट्री आउटलेट है और इसकी वीडियो ये अभी ही रिसेंटली ही इसकी कोई 2 माह हुए हैं फैक्ट्री आउटलेट बनी है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छी फैक्ट्री आउटलेट है। मैंने इसका विज़िट किया है क्योंकि ये जो है प्रोफेशनली वीडियो बनाने नहीं देते हैं, इसलिए मैंने कोशिश की आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की। और एक्चुअली वहाँ जाके आप लोगों को सारा पता चलेगा, मैं तो सिर्फ आर्टिकल्स दिखाने की कोशिश की है। ये सबसे पहले जो आर्टिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये है शमीज़ है, जिसे आप स्लिप भी कहते हैं। बहुत अच्छी, सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो मुझे आर्टिकल पसंद है सबसे ज़्यादा यही पसंद है। इसकी जो प्राइस है वो बहुत हैरान कन है, 200 रुपये इसकी प्राइस, और ये स्टिच हैं और इनका जो कपड़ा है वो अमेजिंग कपड़ा है। कपड़ा जो है ये एक सिल्क में भी हैं, रॉ सिल्क में भी थी, और इसके अलावा ये जो सिल्क की नज़र आ रही है, इसके अलावा जो पहले कपड़ा गुजरा है वो था कपड़ा लॉन सिल्क या लॉन कॉटन, लॉन सिल्क ही मेरे ख्याल में इसको कहते हैं, कुछ कपड़े का इसी तरह सा नाम है। ये वाला जो कपड़ा है लॉन सिल्क टाइप का ही इसका नाम है, और ये बहुत अच्छा कपड़ा है और ये काफ़ी कॉस्टली कपड़ा होता है। उसकी स्लिप्स बनी हुई थी और शमीज़ बनी हुई थी और सारे साइज़ अवेलेबल थे, लेकिन आप जब भी जाएं कोई भी चीज़ जहाँ यहाँ से परचेज़ करें तो आप अपना मेजरमेंट या इंची टेप जिसको कहते हैं वो साथ लेके जाएं, क्योंकि इनके ऊपर जो टैग लगे होते हैं वो बिल्कुल भी वही वाला साइज़ नहीं होता। बाज़फ़ा टैग जो है वो गलत लगे होते हैं, मीडियम के ऊपर स्मॉल, स्मॉल के ऊपर मीडियम या लार्ज या कुछ इस तरह का टैग होता है, इसलिए आप अपनी मेजरमेंट करके जाएँ। यहाँ पर शर्ट्स भी लगी हुई हैं, और जो मोस्टली शर्ट्स हैं बल्कि जो जितनी भी चीज़ें हैं वो जो सारी की सारी वो वहाँ पे 50% ऑफ भी आपको नज़र आएंगी। लेकिन ये तो देखें जो 1000 की है, 1000 वाली कोई इसमें बात है, कितनी ज़बरदस्त ये शमोस टाइप के कपड़े की जो है शर्ट बनी हुई है। ये भी शर्ट सिल्क की शर्ट है। इसी तरह मैं आपको एक दो आर्टिकल दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये है कि आप उधर किसी का फ़ोन नंबर वगैरह ले लें जो आपको इन्फॉर्म कर दे कि कब स्टॉक आने वाला, तो आप स्टॉक इन टाइम स्टॉक के पहुँच जाए, क्योंकि जब आप जाते हैं तो स्टॉक जो है वो फिनिश हो चुका होता है। जिन लोगों को पता होता है वो फटाफट स्टॉक में से जाके माल छांटी कर लेते हैं। आपने देखना है कि ये है कि कुछ आर्टिकल्स जो है ना उन पे ये होता है कि डिफेक्ट होते हैं। ये 2000 की है, जैसे मेरे ख्याल में 1900 की है, डिफेक्ट होता है, कुछ पे थोड़ा होता है, कुछ पे ज़्यादा होता है, कुछ पे जो है वो ठीक होने वाला होता है, इसलिए काफ़ी सारी लगी होती है। आप उस पर देखें कि ये देखें इस पर थोड़ा सा डिफेक्ट एक जगह पर नज़र आ रहा है, तो जो आपको अच्छी लगे, जो डिफेक्ट आप उसको ठीक कर सके वो वाली आप ले लें, तो आप छांटी कर लें। इसके अलावा वहाँ पे दुपट्टे ये जो हैं, ये 800 रुपये का दुपट्टा था, ये चिकन कढ़ाई वाला, इसमें इनमें तो कोई भी मुझे डिफेक्ट नहीं नज़र आया, और ये मेरे ख्याल में इनकी एक्चुअल प्राइस 1600 रुपये है, और ये तो बिल्कुल मुझे फ्रेश नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त दुपट्टा। से ज़्यादा जो मुझे वहाँ पे अच्छी लगी हैं वो मुझे वहाँ पे वो स्लिप और ये दुपट्टास और ट्राउज़र्स अच्छे लगे। ये खद्दर के एक ट्राउज़र है, और ट्राउज़र भी सारे 600 से लेके 700-800 की रेंज में थे। खद्दर क्या ग्रिप, लॉन, कॉटन, कैम्प्रिक, सिल्क, शमोस, मतलब सब भी ट्राउज़र्स थे और लार्ज साइज़ के भी इजीली अवेलेबल थे। लेकिन वही बात, आपने मेजरमेंट करके ज़रूर लेना है, क्योंकि टैग्स में जो है वो फ़र्क होता है। ज़्यादातर लार्ज साइज़ के पड़े थे, लार्ज साइज़ ही इनका लास्ट साइज़ होता है। ये देखिए कितना प्यारा इसका है, ग्रिप का है, और सभी कपड़े में, सभी कलरों में, सभी साइज़ में जो है इनके ट्राउज़र्स वहाँ पर अवेलेबल थे। ये शमोस का है, और जो बहुत खूबसूरत ट्राउज़र है ये 700 रुपये का है। आम ट्राउज़र जो है वो कॉटन या कैमरे का वो 600 रुपये का है। मतलब यही रेंज है, वही मतलब आप देखिए इतने का तो कपड़ा भी नहीं आता है, तो सिला सिला इतने का ट्राउज़र मिल जाए। उनके ट्राउज़र्स की जो है ना ये ट्यूलिप शलवार थी जो भी हमने देखी है, और इतने का तो मैं देखें इनका कपड़ा भी नहीं आता, इनकी स्टिचिंग बहुत अच्छी होती है ट्राउज़र्स की। स्लिप ट्राउज़र्स और इसके अलावा दुपट्टास, ये तीन चीज़ें तो अमेजिंग थी वहाँ पे। हाँ, शर्ट्स की वैरायटी को मुझे खास नज़र नहीं आई, हो सकता है वहाँ पे वो सेल आउट हो चुकी हो, स्टॉक ख़त्म हो चुका हो,
और इसके अलावा जो है वो कुछ टॉप्स थे वेस्टर्न स्टाइल के, और अभी तक तो ये मैं ट्राउज़र्स ही आपको दिखा रही हूँ। ट्राउज़र्स के कलर्स दिखाने के बस थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया देने की कोशिश कर रही हूँ, अदरवाइज़ आप जो है ना वहाँ जाके आप देख सकते हैं। मतलब बहुत टाइप्स के ट्राउज़र थे, ये एक बहुत प्यारा ग्रिप का फ्लैपर टाइप का ट्राउज़र था, ये भी बहुत खूबसूरत था, ये दो कलर्स में था, और शिफून टाइप कपड़ा कह लें, एक वाइट और एक रेड टाइप के कलर में था, बहुत खूबसूरत था। और ये टॉप्स है कुछ वेस्टर्न स्टाइल्स के, ये बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे, और इसके अलावा कुछ बच्चों की भी वैरायटी थी थोड़ी बहुत। तो बाहर आप देखें, जाके विज़िट करें तो हो सकता है आपको कोई चीज़ अच्छी लग जाए, लेकिन इनके जो रेट्स थे ना वो बहुत रीज़नेबल हैं। हाँ, मैंने बाकी ब्रांड्स की भी आउटलेट जो है वो विज़िट किया, मुझे जो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त जो लगी है ना आउटलेट पर्सनली, वो मुझे लाइम लाइट की ही लगी है। ये 600 के टॉप्स, ये 600-500 मतलब इसी रेंज से ही इनके जो वेस्टर्न स्टाइल के जो टॉप्स हैं ना वो स्टार्ट हो रहे थे। ये कुछ शिफून के दुपट्टाज हैं जो प्रिंटेड हैं, ये भी अच्छा स्टफ था, अच्छे दुपट्टे थे, इनकी भी रेंज यही है 400-300 मतलब इसी रेंज के ये दुपट्टे हैं। ये किड्स की कलेक्शन है, ये भी काफ़ी रिजनेबल प्राइस में है आप देख सकते हैं। और इसके अलावा इनकी जो शॉप है ये मुश्ताक कलेक्शन जो है, मुश्ताक क्लॉथ हाउस, उनके साथ लाइमलाइट की जो न्यू शॉप बनी है उसमें ये जो है फैक्ट्री आउटलेट है, उनका जो टॉप फ्लोर है ना जिसको आप फर्स्ट फ्लोर कहेंगे, वहाँ पे इनकी जो है फैक्ट्री आउटलेट की जो सारी वैरायटी अवेलेबल है, आप स्टेयर से अबव जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगी ये सारी वैरायटी। इसके अलावा मैं इनकी जो लोकेशन है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे आपको वहाँ पे फैक्ट्री आउटलेट की जो वैरायटी नज़र नहीं आएगी, आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे ये सारी वैरायटी अवेलेबल है। नेक्स्ट मैं आपको बाकी जो ब्रांड्स की क्या कहते हैं फैक्ट्री आउटलेट के बारे में भी बताऊँगी, जिसमें नेक्स्ट खाड़ी की फैक्ट्री आउटलेट के बारे में बताऊँगी, उसमें भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन शामिल है। और देखते रहिए, जो फैक्ट्री आउटलेट मुझे अच्छी लगेंगी मैं सब जो वीडियोज़ है आपसे शेयर करती रहूँगी, तो आप देखिए जाके वहाँ पे, आपको काफ़ी पसंद आएगी। अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।